Yes, good morning everyone. Welcome to Punjabi class. ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ holidays ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ enjoy ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ clear ਹੈ so ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ PT2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ instructions clear इंस्ट्रक्शन मीन्स के तुसी अपना हॉलीडे होमवर्क मेनू जो तुहानू दिता सी प्रोजेक्ट वर्क वो तुसी भेजना है ठीक है कल्चर ना रिलेटेड सी सभ्याचारक चाकी ओदे नाल मैं थोड़ा तुहानू आइडिया भी दिता सी कि ओदे नाल रिलेटेड तुसी भेजना सी ओके और हुण तुसी अज 1 to 20 रोल नंबर अज और 21 ऑनवर्ड्स कल भेजना है ठीक है बुधवार तक वेट करांगी सो डिफॉल्टर नहीं बनना बिकॉज मैं एक बार कहना है कि बच्चे ने काम नहीं भेजा उस तो बाद फिर मैं थोड़ा कोई जरा काम है चेक नहीं होएगा बेटा ठीक है सो टाइमली सेंड करो ये मार्क्स लगने ने सो टेक इट सीरियसली राइट काफी टाइम से थोड़े को बना लिया होएगा अपना काम भी कर लिया होएगा ठीक है ओके लूज शीट से बनाना सी नोटबुक से नहीं बनाना सी और हुण बेटा जी अपनी लूज शीट्स ने इन्हों रिकॉर्ड विच रखना है हर एक काम हर एक सब्जेक्ट का जो भी काम है बेटा तुसी अपना उन्हों एक साइड पे एक फोल्डर विच रखना है अलग अलग फोल्डर बना लो हर एक सब्जेक्ट के ठीक है सो किते ना किते जे तुहाडे कोल मंगवाया जाए तो तुहाडे कोल होवे ओके किसी ने कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि मेरा गुम गया या टीयर हो गए या मिसप्लेस हो गया नो ओके सो इसनों अपने संभाल के रखो अपने कोल राइट सो बेटा देखो थानू मैं टेस्ट स्केड्यूल पूरा थोड़े ग्रुप विच पा रही था हर हफ्ते टेस्ट होएगा ठीक है हर हफ्ते टेस्ट होएगा जिस तरह पंजाबी दा थर्सडे नू हुंदा सी अगे तुसी अपने टीचर्स नू टेस्ट नहीं भेजते सी बट हुण तुसी टेस्ट करके ओ थानू टीचर्स इंस्ट्रक्शन देंगे ठीक है जिस तरह मंडे नू किसी दा अज किसी दा कोई टेस्ट होएगा मेरा टेस्ट नेक्स्ट वीक होएगा आ वाले हफ्ते पहला आपां थोड़ा बहुत कर लिए नेक्स्ट वीक टेस्ट होएगा और तुसी टेस्ट करके विद इन अ टाइम टीचर नू कंसर्न टीचर नू सेंड करना है और टेस्ट अपने अपने को संभाल के रखने हैं हर एक चीज का बच्चे तुसी फोल्डर लगा लो ठीक है हॉलीडे होमवर्क दे प्रोजेक्ट वर्क का फोल्डर अलग लगा लो हर एक टेस्ट का फोल्डर अलग लगा लो ठीक है ये ना हो कि टेस्ट तुसी किसी डायरी से किया और पासे रख देता दैट्स इट नो प्रॉपरली टेस्ट दो टेस्ट के उपर अपना नाम लिखो पहला क्योंकि तो मैं पहला भी कहा कुछ पेपर भी मेरे को PT1 के इदा दए थे जिन्हें उत्ते नाम ही नहीं लिखा हुआ ठीक है सो उपर नाम लिखो अपना प्रॉपरली रोल नंबर पहला ही अरेंज करके रखा करो ठीक है ये चीजा पहला ही अरेंज करके रखा करो ओके फोल्डर लगा लो हर एक टेस्ट का और जो थानू टीचर सेंड कर रहे हैं टेस्ट चेक करके उन्होंने भी अगर पॉसिबल है तो अपना एक कोई भी अपने फोन दे विच या अपनी पेन ड्राइव जिथे भी तुसी चाहते हो सेव करके रखो ठीक है ये बहुत जरूरी ने बच्चे बिकॉज किसी भी टाइम मंगवाया जा सकता है बिकॉज 9th तो थोड़ी जरा क्लास है हूँ वड्डी हो चुकी है ठीक है सो इनू संभाल के रखना है बहुत जरूरी है मंगवाया जा सकता है थोड़े रिकॉर्ड लिए ओके ठीक है गॉट माई पॉइंट अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं थोड़ा पहले ही क्या है सीधा मैनू कॉल करनी है तुसी ठीक है बिल्कुल किसी चीज की टेंशन ही नहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है डोंट वरी मैनू फोन करो मैनू पूछो क्लियर है ठीक कुछ इंस्ट्रक्शन थी और काम अपना टाइमली करना शुरू करो बिकॉज कुछ बच्चे ने जेडे की कर रहे नहीं कि काम उन्होंने PT1 का भी नहीं भेजा सो ये भी नंबर लगने ने ठीक है तो अपने नंबर अच्छे करने के लिए हर एक चीज को टाइमली करो पंक्चुअल रहो कुछ बच्चे बहुत पंक्चुअल ने बहुत एक्टिव ने वेरी गुड बाकी बच्चे भी थोड़े जे पंक्चुअल थोड़े जे एक्टिव बनो ओके बच्चे ठीक है सो देखो हुण आपां साहित माला ओके बुक है थोड़ी साहित माला पोएम है मैं पंजाबी ठीक है कवि कौन है फिरोजीन शरफ ठीक है कवि है फिरोजीन शरफ ओके कवि दे स्पेलिंग भी देख लियो काफी बच्चों के गलत ही होंगे ने तुहानू पहला भी कहा सी सिहारी लास्ट अक्षर नू नहीं लगती लास्ट अक्षर हमेशा बिहारी लगती है ठीक है करिए शुरू राइट फिरोजीन शरफ बेटा बहुत फेमस पोएट होए ने ठीक है इन्होंने शरफ सुनेहे शरफ दे गीत जोगण हर सियाल इस तरह इन्हों काव्य रचनावां रही ने ठीक है
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ, ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ। जस्ट वेट बेटा। ओके, आई थिंक शेयरिंग दे विच कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है, कोई आई थिंक है प्रॉब्लम, डोंट वरी, पर बुक तो ही रीड कर लेने हैं। ठीक है, पेज नंबर 28 सी। मैं पंजाबी, पंजाब दे रहन वाला। ठीक है, हुण फिरोज सिंह शरफ जो है ये पंजाबी नूं ते पंजाब नूं बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, मैं पंजाबी, पंजाब दे रहन वाला, वो कहता है कि मैं पंजाबी हाँ, क्योंकि पंजाब जो रहता है वो पंजाबी। ठीक है, ते कित्थे रहना हाँ, मैं पंजाब दे विच रहना हाँ। हाँ मैं पेंडू पर शहरी ढंग दा हाँ। हाँ मैं पेंडू, मतलब एक्चुअल मैं पिंड विच रहना हाँ। पिंड विच जिहड़े रहिंदे नूं आपां की बोलदे हाँ, पेंडू बोलदे हाँ। ठीक है, शहर विच रहने वाले ना आपां शहरी बोलदे हाँ। वो कहिंदा मैं बिलोंग कित्थों करदा, मैं पिंड तों बिलोंग करदा हाँ, पर यह नहीं कि मैं पिंड विच रहिंदा हाँ ते मैनूं बिल्कुल शहर दे बारे कोई नॉलेज नहीं है। नो, मैनूं शहर दे बारे विच नॉलेज है। शहरी ढंग दा हाँ, मतलब मैनूं शहर दा ढंग वगैरह तौर तरीके सब कुछ आंदा है। ठीक है, नेक्स्ट, समझा फारसी उर्दू भी खूब बोला। हुण उसनूं कहिड़ियां कहिड़ियां भाषावां आउंदियां ने, फारसी। ठीक है, चाहे पंजाबी है पर उन्हें फारसी भी आती है और उर्दू भी आती है। ठीक है, फारसी उर्दू ये सारी उस भाषावां आदियां ने। फारसी नूं समझता है कि उर्दू भी वह खूब बहुत सारी बोलता है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही अंग्रेजी भी अंगदा हाँ, चाहे फारसी भी बोलता हाँ, उर्दू भी बोलता हाँ, पर कहिंदा मैं थोड़ी बहुती इंग्लिश भी अंगदा अंगदा हुंदा बोलदा। ठीक है, मैनू इंग्लिश भी आंदी है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज नू बोल भी सकदा हाँ। ठीक है, केड़ी केड़ी भाषा आंदी उनू? फारसी, उर्दू और इंग्लिश। पंजाबी तो उनू आंदी ही आंदी है ऑब्वियसली। ठीक है, बोली अपनी नाल प्यार रखा। बोली केड़ी? पंजाबी बोली, पंजाबी भाषा। वो पंजाबी दे नाल बहुत ज्यादा प्यार रखता है। यह गल आखणों कदे ना संगदा हाँ। हुण देखो कई बार हुंदा ना कि आपां पंजाबी बोलदे हाँ, आपां कई बार बड़ा फील करदे हाँ ना कि आपां पंजाबी बोल रहे हाँ ना। जदों सुपोज कि कोई आंदा है, आप अपने बच्चे नाल हिंदी बोलदे हाँ। ठीक है, ते कई इस तरह दे हुंदे ने, राइट। ते वो कहिंदा कि मैं बिल्कुल इदां दा नहीं हैगा, मैनूं बिल्कुल कोई शर्म महसूस नहीं हुंदी क्योंकि मैं अपनी मात भाषा बोल रहा हाँ। पंजाबी मात भाषा ना, मदर टंग है ना पंजाब दी, मां बोली केड़ी है? पंजाबी। ठीक है, कि वो पंजाबी बोलन तो कदी भी संगदा नहीं है, बेझिझक वो अपनी भाषा बोलता है क्योंकि उसनूं अपनी भाषा नाल बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, मोती किसे सुहागण दी नथ दा मैं। ठीक है, हुण वो कहिंदा की है, वो अपने आप नूं पंजाबी भाषा पंजाबी कल्चर विच रंगदा होया कहिंदा है। एक्चुअल च वो मोती नहीं है, ये तो तुहानूं पता ही है कि कवि जो लिखदा है ओदे कुछ कल्पना हुंदियां, वो इमेजिन कर सकता है। ठीक है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जिथे तक सूरज नहीं जा सकता उथे तक कवि की सोच जाती है। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ थिंकिंग, नॉट रियल। ठीक है, वो की कहिंदा है? मोती किसे सुहागण की नथ दा मैं। सुहागण मैरिड। ठीक है, ओदी नथ दा, नथ जिहड़ी आपां नक च पांदे हां, ओह मोती हां। ठीक है, नथ दा मोती हुंदा है ना, राइट, फॉल्स या लगा हुंदा ओदे विच। ठीक है, वो कहिंदा है कि मैं उस सुहागण दे नथ दा मोती हाँ, मतलब वो अपने आप नूं पंजाबी कल्चर विच
पूरी तरह टालता है। टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंग दा हां, टुकड़ा मतलब कोई पंजाबण, उन्हें वंग, वंग मतलब बैंगल्स, चूड़ियां, चूड़ियां पाइया हुई ने, मैं उस एक बैंगल का छोटा जिहा टुकड़ा हाँ, मतलब वो एदा पंजाबी कल्चर विच रंगना चाहता है, क्योंकि पंजाबी कल्चर विच तुसीं देखा होएगा पहरावा किदा दा हुंदा है, कि नथ पाई हुंदी है ना, ठीक है ना रमी, पहरावा इदा ही हुंदा ना, ठीक है, नथ पाई हुंदी है, हत्थां विच उन्होंने चूड़ियां पाइया हुंदियां ने, ठीक है, तो वो इदा ही कहिंदा है, नथ दा मैं मोती हाँ ते वंग दा मैं एक टुकड़ा हाँ, ठीक है। मिले माण पंजाबी नूं देश अंदर, हुण ओह की कहिंदा है कि मैं यही दुआ करता हाँ कि पंजाबी भाषा नूं की मिले, माण मिले, पूरे देश अंदर माण मिले, सारे लोकी पंजाबी भाषा नूं माण देन, गर्व महसूस होवे कि आपां पंजाबी हाँ, ठीक है। हुण देखो किन्ने पंजाबी ने, वह हर एक जगह से फैले हुए हैं, कोई देश ऐसा नहीं जिथे हुण पंजाबी नहीं गए हुए, ठीक है। तो यही कहिंदा है कि जिथे भी पंजाबी जाते हैं उत्थे लोगों नूं अपने वाल आकर्षित करते हैं, ठीक है। मिनी पंजाब भी है ना, कि कैनेडा च, उत्थे भी लोग पंजाबी बोलते हैं, उन लोग देखो इन्ने को ज्यादा इनफ्लुएंस हो चुके हैं पंजाबी कल्चर के नाल। देखो तुम अजकल जिस तरह पिक्चर्स वगैरह भी आदि ने, सीरीयल वगैरह भी आते हैं, वो भी पंजाबी टच होंदा ना, पंजाबी फैमिली नूं दिखाया जाता, काफ़ी सारे सीरीयल्स इदा के आते हैं, मूवीज आदि ने, है ना, मतलब उन्होंने कहता है कि हर एक जगह से जिहड़ी पंजाबी भाषा है वो बोली जाए तो उसनों एक माण महसूस होवे, ठीक है। आशक मुंडो में इस उमंग दा हां, मुंडो की हुंदा शुरू तो, ओ शुरू तो ही इस चीज का आशिक है, इस चीज तो मतलब वो बहुत ज्यादा मंदा है कि इस उमंग, इस उमंग केड़ी उमंग, कि पंजाबी भाषा नो बहुत ज्यादा प्यार मिले, उमंग मतलब ओदे अंदर एक दिली इच्छा है, ठीक है, ओदे विश है, विश केड़ी है कि पंजाबी भाषा नाल हर एक प्यार करे ते उसका सत्कार करे, ठीक है। एथों तक क्लियर है, ठीक, एथों तक क्लियर है बेटा। जे नो किसी नो कोई भी एथों दी कोई वर्ड, कोई गल ना समझ लगी होवे, कोई लाइन ना समझ लग रही होवे, पूछ जरूर लियो, ओके। नेक्स्ट, बारिशा ते बुल्ले दे रंग अंदर डोब डोब के जिंदगी रंगदा हां, बारिशा किस्साकार होए ने जिन्हां ने हीर रांझा किस्सा लिखा सी, ठीक है, हीर रांझे दा किस्सा लिखा सी, बहुत वधिया इह किस्साकार ने, राइट। ते बुल्ले शाह, बुल्ले शाह काफिया, ठीक है, एक पोएम हुंदी है, वो एक गजल हुंदी है, एक काफी हुंदी है, इन्हां ने काफिया लिखिया बुल्ले शाह ने, ठीक है। बारिश शाह ते बुल्ले शाह नूं बहुत ज्यादा मनदा है, इन्हां दा सत्कार करदा है, क्यों, क्योंकि इन्हां ने पंजाबी सभ्याचार नूं, कल्चर नूं अपनियां जिहड़ियां लिखतां ने इन्हां विच डिपिक्ट कीता, ठीक है, कि इन्हां ने पंजाबी भाषा नूं होर लैवल तक इह लै के गए, ठीक है। पंजाबी विच इन्हां ने रचनावां लिखियां कि लोकां ने उह बहुत ज्यादा पढ़िया ते बहुत ही ज्यादा उन्हां नूं प्यार दित्ता, ठीक है। ते इस लई इह वी की करदे ने, बुल्ले शाह ते वारिस शाह वांग फेमस होना चाहते हैं, फेमस मतलब यह नहीं कि ये कहते बहुत ज्यादा, मतलब वो कहते नहीं कि मैं उन्हां दी तरह ही बना, ठीक है, मतलब उन्हां दी तरह ही पंजाबी भाषा की मैं सेवा करा, राइट। दे रंग अंदर डोब डोब के जिंदगी रंगदा हाँ, मतलब डोब डोब के, कि जिस तरह उन्होंने पंजाबी भाषा को इन्ना मान सत्कार दिता, उन्होंने रचनावां नूं लोगों ने इन्ना प्यार दिता, उस ही तरह मैं भी चाहना हाँ कि मैं भी उन्होंने रंग विच रंगा, ठीक है, मैं भी पंजाबी कल्चर नूं होर अगे तक लैके जावा, पंजाबी भाषा नूं होर ज्यादा वधावा, ठीक है। डोब डोब के जिंदगी रंगदा मतलब कि वह जिदा उन्होंने पंजाबी विच लिखतां लिखियां, मैं भी उन्हां वांगू ही यह सेवा करा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, रवा इत्थे ते यूपी विच करां गल्लां, ठीक है, ऐसी अकल नूं छिक्के ते टंगदा हां, कौन इत्थे ओह उन्हां लोकां ते व्यंग कर रहे ने, क्योंकि कविता दे विच व्यंग भी हुंदा है, स्टायर इंग्लिश विच भी तुसीं पढ़िया होएगा, ठीक है, व्यंग कर रहे ने उन्हां लोकां ते, इक टॉन्ट कर रहे ने, किदां दी, कि कई लोकी की करदे ने, रवा इत्थे ते यूपी विच करां गल्लां, ठीक है, मतलब मैं पंजाब विच रवा ते मैं यूपी दे गुणगान गाई जावा, नहीं चंगा, ठीक है, मैं पंजाब विच रह रहा, पंजाब दा ही मैं अन्न पानी खा रहा, ते मैं पंजाब दी सिफत करांगा, उन्ने जिस तरह कई एन आर आई हुंदे ने,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਅਕਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਫ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਪੋਇਟ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਭਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੀਨਸ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੋਰ ਟਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਹਾਂਜੀ ਪਨਿਕਾ ਮੈਮ, ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਨ ਦੀ ਨੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਨੱਥ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਨੱਥ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਮਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਵੰਗ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਨਿਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਮੀ। Yes, ma'am, ये वाली lines भी explain कर दो कि मिले मान पंजाबी नु देश अंदर आशक मुड्डो मैं ऐस उमंगदा हां। मैम ये दोनों भी एक बारी रिपीट कर दो। ओ कहंदा है कि मैं इस चीज दा आशक हूं, ठीक है, आशक मतलब मैं इस चीज नु बहुत दिलों चांदा हां कि मतलब मेरी ये उमंग है, मेरी ये दिली इच्छा है कि पंजाबी नु हमेशा, पंजाबी भाषा नु हमेशा सारे देश अंदर माण मिले। ठीक है, आशक मुड्डो मैं शुरू तो ही इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा वफादार सी कि पंजाबी भाषा नु बहुत ज्यादा प्यार मिले। ठीक है, उमंग हुंदा है इच्छा, जिहड़ी तुहाडी दिल इच्छा है, हर एक दी दिल इच्छा है, शरफ दी भी दिल इच्छा है कि वह पंजाबी भाषा नु ही हमेशा प्यार करे तो उन्होंने ही माण मिले। ठीक है अश्मित, स्टार्ट योर वीडियो। अश्मित नागपाल, हाँ जी अश्मित बोलो। मैम एक बार इसका केंद्रीय भाव दोबारा रिपीट कर दोगे? केड़ी बेटा? मैम केंद्रीय भाव इस चैप्टर का दोबारा रिपीट कर दोगे पोएम का? सॉरी केंद्रीय भाव मैं हल्ले सुनना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਨੋ ਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਆ। मैम मैंने केंद्रीय भाव सुनाना था। ओके ठीक है अश्मित सुन लो, केंद्रीय भाव सुन लो, मैं दो तीन बच्चों को सुनाऊंगी उसके बाद विच मैं बोलूंगी। हां जी दिया बोलो। कविता मैं पंजाबी कवि फिरोजदीन सरफ दी लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध रचना है जिस राही कवि पंजाब अते पंजाबी लई अपना प्यार बयान करता है। वह दसदा है कि भावे वह शहर विच रहिंदा है पर उसका पिंड उसके दिल विच वसिया होया है। कवि कविता राही दसदा है कि भावे उसनु फारसी उर्दू ते अंग्रेजी आउंदियां हन पर वो पंजाबी अते पंजाब दी मात भाषा पंजाबी लई बहुत प्रेम रखदा है। वो दसदा है कि वो पंजाब अते पंजाबी सभ्याचार दा बहुत सतिकार करदा है अते उन्हां लोकां नू पसंद नहीं करदा जेड़े इस दा सतिकार नहीं करदे। अंत विच दसदा है कि वह पंजाब दा पंजाबी है अते पंजाब दा सेवक है अते वह हमेशा पंजाब अते पंजाबियां दी खैर मंगता है। वेरी गुड गुड थैंक यू मैम। और कोई बच्चा केंद्रीय भाव? इजी है बेटा, छोटी जी पोएम है। रमी, हर्षप्रीत, वंशिका, लवलीना, मोहन, केंद्रीय भाव बेटा, केंद्रीय भाव सुनाना तुसी इहदा। पोइम समझ लग गई सब नू? अगर पोइम समझ लग गई तां केंद्रीय भाव भी तुसी बोल सकदे हो। जरूरी नहीं कि पूरा एकदम करेक्ट ही बोलना, कोई चार पांच लाइना बोल दो मतलब इहदे विच कहा की गया है। पनिका, सोचो पोइम रीड करो, नहीं कोई लाइन समझ लगी मैनू पुछो। पनिका वंशिका तो मेनू थम्स अप दिखा दो। ओके यस पनिका। यस मैम, कविता मैं पंजाबी कवि फिरोजदीन शरफ दी लिखी हुई कविता है। इस विच कवि दसदा है कि वह पंजाबी भाषा नू किन्ना ही प्यार करता है। वह कहिंदा है कि वह पंजाबी है अते पंजाब दा रहण वाला है। वह शहर विच रहिंदा है पर उसका पिंड हजे भी उसके दिल विच वसिया होया है। उसनू उर्दू फारसी अते अंग्रेजी भाषावां बोलनिया आउंदियां हन पर वह फिर भी अपनी पंजाबी भाषा नू बोलन विच कदे भी हिचकिचांदा अते डरदा नहीं है। वह कहिंदा है कि वह अपने आप नू पंजाबी सभ्याचार दे विच रंग के कहिंदा है कि वह किसे सुहागन ਦੀ ਨੱਥ ਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਵਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਓਕੇ ਵੇਟ ਯੈਸ ਲਵਲੀਨਾ ਵੇਟ ਪੰਛਿਕਾ इच्छा रखता है कि पंजाबी बोली नू उस दे देश विच पूरा मान सतिकार प्राप्त होए ओ महान कविया वारिस शाह ते ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ प्यार बयान किया है ओ कविता विच कहिंदा है कि ओ शहरी ढंग नाल जींदा है पर ओ पिंड नाल उसका लगाव हजे भी है ओ फारसी अते उर्दू बोलता है पर ओ पंजाबी बोलन विच कदे भी संगदा नहीं है ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਨੱਚ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਵਾ ਅਸ਼ਮਿਤ ਰਮਨੀਕ ਅਰਚਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਟਰਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਨ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਨੀ ਵਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋ